सो माय यूट्यूब फैमिली, यार कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और गाइस, मैं आज आपके लिए बहुत ही खतरनाक एडिटिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर 2023 का कुछ ही टाइप का सीवी फोटो एडिटिंग। और देख पा रहे हो गाइस, फोटो कितना कमाल का लग रहा है। अगर दोस्तों आपको भी ऐसा फोटो एडिट करना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करना होगा। तो बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप भी ऐसा फोटो एडिट करना सीख जाएंगे। इसमें बैकग्राउंड और PNG इनका यूज किया है, तो आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। तो कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो पास में घंटे उसको भी हाल में कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं मेरे फोन की होम स्क्रीन में गाइस, वहां मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जब तक के लिए बाय। तो सो गाइस, आ चुका हूं यार मेरे फोन की होम स्क्रीन में। और आ जाने के बाद आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कुछ ही टाइप से हम फोटो को एडिटिंग करेंगे। देख पा रहे हो कितना मस्त लग रहा है हमारा फोटो, बिल्कुल सीवी फोटो एडिटिंग है। ठीक है, तो आपको भी मैं ऐसा कैसा फोटो एडिट करना सिखाऊंगा। तो कर लेते हैं यार वीडियो स्टार्ट। तो सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका रियल फोटो रहेगा ना उसको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों, यहाँ पर आपको शेयर वाला आइकन में क्लिक कर देना है। और शेयर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद फोटो को आपको शेयर करना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, इस एप्लीकेशन के अंदर आप फोटो को शेयर कर लेना है। सो गाइस, तो देख पा रहे हो हमारा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। गाइस, आ जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको एक प्रीसेट मिल जाएगा, कुछ ही टाइप का प्रीसेट है मेरे भाइयों। तो प्रीसेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और प्रीसेट को सेलेक्ट करने के बाद आपको थ्री डॉट में जाना है ऊपर। और थ्री डॉट में जाने के बाद आपको यहाँ से कॉपी सेटिंग में क्लिक कर देना है। कॉपी सेटिंग में क्लिक करने के बाद फाइनली आपको यहाँ से राइट में क्लिक कर देना है। जैसे आप राइट में क्लिक करोगे ना, तो कॉपी सेटिंग हो चुकी है और जो हमारा रियल फोटो रहेगा ना उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली गाइस, फोटो सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको थ्री डॉट में जाना है। थ्री डॉट में जाने के बाद आपको यहाँ से पेस्ट सेटिंग, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। और इसमें क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है, यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है मेरे भाइयों, तो देखते हो यहाँ पर एक गोल गोल घूम रहा है। तो सो गाइस, देखते हो और वन क्लिक में हमारा फोटो कितना मस्त हो गया, देखते हो बिफोर एंड आफ्टर है ना गाइस, कमाल की प्रीसेट। ठीक है, तो गाइस इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों, शेयर वाला आइकन में क्लिक कर देना है। और शेयर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव टू डिवाइस में क्लिक करके इस फोटो को आपको गैलरी में सेव कर लेना है। ठीक है मेरे भाइयों, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। तो सो गाइस, यहाँ प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रोसेसिंग होने देना, तभी ये गैलरी में डाउनलोड होगा मेरे भाइयों। ठीक है, तो सो गाइस, जैसे प्रोसेसिंग हो जाता है ना, हो जाने के बाद आपको ओके वाला आइकन आएगा, तो इसमें आप जैसे क्लिक करोगे ना गैलरी में सेव हो जाएगा। तो हम यहाँ से जाते हैं बैक और ओपन कर लेते हैं गैलरी को। ठीक है मेरे भाइयों, तो यहाँ से हमारा फोटो ये फर्स्ट में आ गया, ये देखते हो। ठीक है मेरे भाइयों, तो फोटो आ जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों, अपना जो डेटा है ना उसको ऑन कर लेना है। डेटा ऑन हो जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाइयों। तो उस एप्लीकेशन का नाम है फोटो रूम। ठीक है मेरे भाइयों, तो उस एप्लीकेशन को गाइस मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, फोटो रूम एप्लीकेशन को। तो सो गाइस, मैं जो भी एप्स यूज़ कर रहा हूँ ना, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से अगर आप आसानी से एप्स को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं फोटो रूम एप्स को ओपन कर लेता हूँ मेरे भाइयों। तो इसको ओपन करने के बाद थोड़ी देर वेट करना, यहाँ पर देखते हो हमारा फोटो रूम एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है स्टार्ट फॉर्म फोटो में, इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी। तो हमने जो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर एडिटिंग किया था ना, उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखते हो स्टार्टिंग, तो यहाँ पर स्टार्टिंग हो रहा है। और थोड़ी देर वेट करना है यहाँ पर भी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड आ गया, तो हमारा बैकग्राउंड है ना वो रिमूव हो गया मेरे भाइयों। तो इस टाइप से आपको बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो आ जाएंगे, तो आपको इस वाले फ़ोटो में क्लिक कर देना है। ठीक है मेरे भाइयों, इसमें क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जाना है शेयर वाला आइकन में। शेयर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाला आइकन में क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करना, और आपको यहाँ पर सेव टू गैलरी, इसमें आप जैसे क्लिक करोगे ना मेरे भाइयों, तो एक गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, अब आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों, अब आपको एक एप्लीकेशन की और ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाइयों। तो उस एप्लीकेशन का नाम है PicsArt। ठीक है मेरे भाइयों, अच्छी तरीके से समझना, PicsArt एप्लीकेशन। आप सबको पता है गाइस, सीवी फोटो एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको
टाइम देकर वीडियो देखना है मेरे भाइयों, तभी आप अच्छी तरीके से फोटो एडिट करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो जैसे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाती है ना, तो आपको प्लस वाला आइकन में क्लिक कर देना है। प्लस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है एडिट ए फोटो में। तो सो गाइस, यहाँ पर गैलरी ओपन हो गई है, और ओपन हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमने फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर बैकग्राउंड को रिमूव किया था ना, उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली मैंने फोटो सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करके इधर आ जाना है, और आपको यहाँ पर जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद फिर से आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमने जो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो को एडिटिंग किया था ना, उस फोटो को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सो गाइस, मैंने फोटो सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको इस वाले आइकन में क्लिक करके इसको यहाँ से बड़ा कर लेना है, इसको यहाँ से बड़ा कर लेना है मेरे भाइयों। ठीक है, इसको यहाँ से ब्राइटनेस को कम कर लेना है, यहाँ से इस लाइन को कम कर लेना है, और कम करने के बाद इसको ऐसे बड़ा कर लेना है, पकड़ कर ऐसे मिला लेना है, फिक्स में कर लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सेट हो चुका है, ये देखते हो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है मेरे भाइयों। तो इस लाइन को पूरा इधर शो कर लेना है। शो करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ऊपर इरेज वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इरेज में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इरेज ब्रश सेलेक्ट कर देना है, और सेलेक्ट करने के बाद एफिशिएंसी को कुछ प्रकार से रख लेना है आपको। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको, बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे चला लेना है। देखते हो गाइज, ऐसे आपको रिमूव कर लेना है मेरे भाइयों, यहाँ पर देखते हो ऐसे आपको रिमूव कर लेना, नीचे नीचे करना आपको। ठीक है, फिर जो नीचे नीचे वाला है ना गाइस, इसको रिमूव नहीं करना है, ओल इसके पीछे पीछे है ना, इसको आपको रिमूव कर लेना अच्छी तरीके से। यहाँ पर आप देखते हो रिमूव हो गया, वो भी बहुत ही कमाल का, इस टाइप से आपको रिमूव कर लेना मेरे भाइयों। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से रिमूव हो जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनली राइट में क्लिक कर देना है आपको। राइट में क्लिक करने के बाद मेरे भाइयों आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोटो को आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना, ऊपर डाउनलोड वाला आइकन में क्लिक कर देना है, डाउनलोड हो जाएगा मेरे भाइयों गैलरी में। ठीक है, तो हम यहाँ से जाते हैं बैक, और उसके बाद गैलरी को ओपन कर लेते हैं, और गैलरी को ओपन हो जाने के बाद हमारा फोटो यहाँ पर आ गया, ये देखते हो। आ जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों, इस फोटो को आपको शेयर वाला आइकन में क्लिक कर लेना है। शेयर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद फोटो को आपको शेयर कर लेना है यहाँ से स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये रहा, इस एप्लीकेशन के अंदर फोटो को शेयर कर लेना है। सो गाइस, तो हमारा फोटो स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। आ जाने के बाद गाइस हम क्या करेंगे, पहले हम जाते ऊपर, यहाँ पे जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे जाओगे ना, तो आपको इंपोर्ट इमेजिंग में क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से एक बैकग्राउंड है, तो उस बैकग्राउंड को मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बता दूंगा आपको बैकग्राउंड और प्रीसेट पीएनजी आपको कहाँ से डाउनलोड करना है मेरे भाइयों। ठीक है, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। तो सो गाइस, मैंने बैकग्राउंड ऐड कर लिया, और कुछ ही टाइप का बैकग्राउंड है। जैसे आप बैकग्राउंड ऐड करोगे ना, तो आपको ऊपर राइट वाला आइकन देखने मिलेगा, राइट में आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना है, हम जहाँ लेयर बनाते हैं ना वहाँ जाना है आपको, और जाने के बाद बैकग्राउंड को नीचे की तरफ ले आना है, ऐसे ले आना है मेरे भाई। ठीक है, और लाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है, बैकग्राउंड में क्लिक कर देना है एक बार, और क्लिक करने के बाद आपको इस वाले आइकन में क्लिक कर लेना है, और इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ब्लू कलर करना है बैकग्राउंड में। तो इस वाले लाइन में क्लिक करके यहाँ से ब्लू कलर कर लेना है मेरे भाइयों। यहाँ पर आप देखते हो गाइस, बहुत अच्छे अच्छे कलर आ रहे हैं, तो यहाँ से मैं ब्लू कलर करूँगा। तो फाइनली मैं इसको -129 कर लेता हूँ। ठीक है मेरे भाइयों, -129 हो जाने के बाद फाइनली आपको डन में क्लिक कर देना है मेरे भाइयों। और डन में क्लिक करने के बाद गाइस, अब आप देखते हो गाइस, हमारे जो यहाँ पर ये घास है ना, इसका कलर है ना, अभी ये येलो कलर में है गाइस, तो गाइस इसका हम ब्लू कलर करेंगे। तो ब्लू कलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना होगा ऊपर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ ऊपर जाओगे ना, तो अपने फ़ोटो में एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, एक बार और क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा डब्ल्यू केट में जैसे क्लिक करोगे ना, तो हमारे फ़ोटो के डबल हो जाएंगे। डबल हो जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों, जो ऊपर वाला फ़ोटो ना, उसमें आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें जाना है फिर से, और जाने के बाद आपको ऊपर वाली लाइन को यहाँ से माइनस प्लस करके देख लेना है। हमको ब्लू कलर करना है, तो ब्लू कलर करने के लिए आपको इधर माइनस कर लेना है मेरे भाई, यहाँ से देखते हो, और जो बीच वाले इसको फुल बढ़ा लेना है इधर, देखते हो ऐसे आपको ब्लू कलर कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं मैचिंग कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, आप भी मैचिंग कर लेना। तो इस प्रकार से आपको देखते हो गाइस, मैचिंग हो गया ना, होने के बाद आपको डन में क्लिक कर देना है मेरे भाइयों। तो गाइस देखते हो गाइस, हमारा पूरा फोटो बेकार हो गया, हमने जो ब्लू कलर किया ना, तो पूरे फोटो में ब्लू कलर हो गया। तो इस कलर को कैसे रिमूव करना है आपको, ठीक है, तो आप ध्यान से समझना मेरे भाइयों, आपको यहाँ जाना है ऊपर। ठीक है, यहाँ आप जैसे जाओगे ना, तो आपको लाइब्रेरी ओपन कर लेना है, तो अभी लाइब्रेरी ओपन है। जैसे स्क्रॉल डाउन करके ऊपर की तरफ आओगे ना, तो आपके सामने इस प्रकार के ब्रश देखने मिलेंगे। तो इनमें से आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है।
सेटिंग में जाने के बाद इसको स्टोर कर लेना है और इसको यहाँ से रख लेना है मेरे भाई 29.0 और यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो गैस हमको जहाँ जहाँ ब्लू कलर करना है ना तो वहाँ पर हमको ब्रश नहीं चलाना, ठीक है। तो हम कहाँ पर ब्रश नहीं चलाएंगे ये भी मैं बता दूँ आपको, यहाँ नीचे की तरफ आपको ब्रश नहीं चलाना, ठीक है। तो आपको ब्रश चलाना है गैस यहाँ पर कपड़ों में और हमारे पेस में, ठीक है। तो ब्रश को ऐसे चला लेना, आप देखते हो गैस जैसे मैं ब्रश को चला रहा हूँ तो कपड़े में कलर आ गया फिर से वही। तो इस प्रकार से आपको जो भी इफेक्ट आया ना इसको ऐसे रिमूव कर लेना मेरे भाइयों, अच्छी तरीके से देख सकते हो, ठीक है। देख पा रहे हो बहुत ही मस्त तरीके से आपको कलर हटा लेना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं हटा लेता हूँ यहाँ पर, देखते हो गैस बिल्कुल रियल टाइम में बताऊँगा मैं आपको सी बिफोर एडिटिंग कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पूरे कलर को हटा लेना है, यहाँ पर देखते हो गैस ब्रश को ऐसे ऐसे चला लेना है मेरे भाइयों, ठीक है। तभी हमारी जो सी बी फोटो एडिटिंग ना वो हो पाएगी गाइस, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों का ऐसे ऐसे आपको कलर हटा लेना है। तो यहाँ पर देखते हो गाइस कलर हट गया, और हटने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना है गाइस, इसमें हम दो तीन पीएनजी और उनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम पेस्ट स्मूथ करेंगे। तो पहले पीएनजी ऐड करने के लिए आपको ऊपर जाना होगा यहाँ पे, यहाँ पर आप जैसे जाओगे तो इम्पोर्ट मेजी में क्लिक कर लेना है, तो फिर से आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से पीएनजी को ले लेता हूँ, ठीक है। तो फाइनली गाइस मैंने पीएनजी ले लिया। तो पीएनजी लेने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ जाना होगा आपको, और जाने के बाद अपने पीएनजी में एक बार क्लिक कर लेना है आपको, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हो गाइस इसकी ब्राइटनेस है ना, इसको फुल रखना है, और रखने के बाद फाइनली आपको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको यहाँ जाना होगा ऊपर, ठीक है। यहाँ आप जैसे जाओगे ना तो आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है, इसमें क्लिक करने के बाद अपने पीएनजी को ऐसे एडजस्ट कर लेना, यहाँ पर देखते हो गाइस ऐसे लगा लेना है आपको, अगर आप लगाना चाहते हो ना तो ऐसे लगा लेना है, कितना मस्त लग रहा है, ठीक है। ऐसे लगाने के बाद फाइनली आपको राइट में क्लिक कर देना है ऊपर। राइट में क्लिक करने के बाद गैस एक पीएनजी हो रह गया, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर फिर से और इम्पोर्ट मेजी में क्लिक करके उस पीएनजी को भी मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो गैस ये वाइट वाला पीएनजी है, तो इसको कैसे लगाना है, अपने जो फोटो है ना यहाँ पर जिसके पीछे लगाना है, तो इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और राइट कर देना है आपको। राइट करने के बाद गैस आपको यहाँ जाना होगा, हम जहाँ लेयर बनाते हैं वहाँ जाना होगा। जाने के बाद इस पीएनजी को आपको नीचे की तरफ ले आना है, यहाँ पे नीचे नीचे, ठीक है मेरे भाई, ऐसे ले आना है और छोड़ देना है, ठीक है मेरे भाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, एक पीएनजी और रह गया हैप्पी न्यू ईयर वाला, तो यहाँ जाता हूँ मैं फिर से और इम्पोर्ट मेजी में क्लिक करके उस पीएनजी को भी मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो सो गाइस मैंने पीएनजी ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद यहाँ पर देखते हो गाइस ये वाला पीएनजी हैप्पी न्यू ईयर, तो इसको सही से सेट करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा ऊपर, और यहाँ पर आप जैसे जाओगे ना तो आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है और इसको एडजस्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है, ऐसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है मेरे भाइयों। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर देखते हो गाइस हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है ना वो भी परफेक्ट सेट नहीं हुआ, तो सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कर देना एक बार राइट में क्लिक। राइट में क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ ऊपर, यहाँ पर आप जैसे जाओगे ना तो बैकग्राउंड में आपको क्लिक कर देना है नीचे की तरफ, और इसमें क्लिक करने के बाद क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको यहाँ जाना होगा ऊपर फिर से। यहाँ पर आप जैसे जाओगे ना तो आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है, इसमें क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड कैसे सेट कर लेना है, देखते हो गाइस हो गया ना सेट। होने के बाद कर देना फाइनली राइट में क्लिक। राइट में क्लिक करने के बाद देखते हो गाइस हमारे फोटो में कितना अच्छा लुक आ चुका है। तो हम पेज स्मूथ करेंगे, पेज स्मूथ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों, यहाँ जाना होगा आपको ऊपर। ऊपर जैसे आप जाओगे ना तो अपने फोटो में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे इसे बैक। बैक आने के बाद हम जाते हैं यहाँ पर ऊपर। ऊपर जाने के बाद आपको लाइब्रेरी ओपन कर लेना है। जैसे आप लाइब्रेरी ओपन करोगे ना नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है, ठीक है। आ जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार के ब्रश आ जाएंगे, देख लेना। यहाँ पर स्मूथ वाला ब्रश सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, ये वाला। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग में क्लिक कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर आ जाने के बाद अब आपको कैसे सेटिंग करना है, बीच वाली लाइन है गाइस इसको यहाँ से दो कर लेना है मेरे भाइयों, इसको यहाँ से दो कर लेना है कम करके। फाइन इसको दो रख लिया, और जो नीचे वाली इसको चार कर लेना है, और जो ऊपर वाली लाइन है ना इसको मैं भी बढ़ा लेता हूँ यहाँ से 27.6, और यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ इस प्रकार से, और ऐसे स्मूथ कर लेता हूँ मेरे भाइयों। यहाँ पर आप देखते हो गाइस ऐसे ऐसे आपको स्मूथ कर लेना है अपने पेस को, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको स्मूथ कर लेना है मेरे भाइयों। बिल्कुल सी बी फोटो एडिटिंग है गाइस, देखते हो ऐसे ऐसे आपको स्मूथ कर लेना है, ठीक है। जूम कर लेना और ऐसे ऐसे आपको स्मूथ कर लेना है मेरे भाइयों अच्छी तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं कि गाइस जल्दीबाजी में आपको स्मूथ करना है, ठीक है, धीरे धीरे से आपको स्मूथ करना है, ताकि हमारा पेस है ना वो बिगड़े नहीं। अगर पेस बिगड़ जाएगा ना गाइस तो पूरा फोटो बेकार सा हो जाएगा। तो आपको ऐसे ऐसे स्मूथ कर लेना है, ठीक है, जूम कर लेना और ऐसे ऐसे आपको
अपने पेस्ट को अच्छी तरीके से बना लेना है मेरे भाइयों। बिल्कुल खतरनाक तरीके से आपको स्मूथ करना है। यहाँ पर आप देखते हो कितना कमाल का लग रहा है। जैसे जैसे मैं स्मूथ कर रहा हूँ ना तो फोटो में अलग सा लुक आ रहा है मेरे भाइयों। तो ऐसे ऐसे आपको स्मूथ कर लेना। यहाँ पर आप देखते हो गैस अपने हाथ में भी थोड़ा बहुत स्मूथ कर लेना। और गैस यहाँ पर स्मूथ हो जाने के बाद देख पा रहे हो हमारे फेस में कितना अच्छा लुक आ गया। और जहाँ रह गया वहाँ जूम कर लेना और ऐसे ऐसे आपको स्मूथ कर लेना, ठीक है मेरे भाइयों। तो सो गैस स्मूथ हो जाने के बाद अब देख पा रहे हो हमारे फोटो में कितना अच्छा लुक आ गया। तो आ जाने के बाद गैस अब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 डॉट में क्लिक कर देना है और आपको शेयर वाले आइकन में क्लिक कर लेना है। शेयर वाले आइकन में क्लिक करने के बाद आपको इस वाले आइकन में क्लिक करके इस फोटो को आपको शेयर कर लेना है स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस तो आ गया हमारा फोटो स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर आ जाने के बाद आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको सिलेक्टिव वाले जो टूल है ना इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जूम कर लेना और जहाँ जहाँ डार्क रहेगा ना गाइस हमारा फोटो तो इसको जूम कर लेना और इसको छोटा कर लेना और ऐसे ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। यहाँ पर देखते हो ऐसे आपको ब्राइटनेस बढ़ा लेना है और नीचे आ जाना और इसको ऐसे माइनस कर लेना हल्का सा, और सैचुरेशन इसको भी हल्का सा माइनस कर लेना और कंट्रास्ट को भी ऐसे बढ़ा लेना है, ठीक है। और फाइनली आपको कर देना है यहाँ से राइट में क्लिक। राइट में क्लिक करने के बाद फिर से आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों, टूल्स में जाना है और आपको यहाँ पर डिटेल्स में क्लिक कर देना है और इसके नीचे शार्पिंग ऐसे बढ़ा लेना है, ठीक है। शार्पिंग को जैसे बढ़ाओगे ना तो अलग सा लुक आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से कर देना है राइट में क्लिक। राइट में क्लिक करने के बाद देखते हो गाइस हमारे फोटो में कितना अच्छा लुक आ गया बिफोर एंड आफ्टर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जाना है टूल्स में, सेलेक्टिव में क्लिक कर देना है और अपने जो कपड़ा है इसमें ऐसे रख लेना है, छोटा कर लेना और इस प्रकार ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है ऐसे, और कंट्रास्ट को भी ऐसे बढ़ा लेना है। देखते हो गाइस जैसे कंट्रास्ट को बढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा चमक आ रहा है, तो कंट्रास्ट को ऐसे बढ़ा लेना है। फिर नीचे प्लस में क्लिक कर देना है और ऐसे कपड़ों में रख लेना है, छोटा कर लेना, ब्राइटनेस को ऐसे बढ़ा लेना है और कंट्रास्ट को ऐसे बढ़ा लेना है। फिर नीचे आ जाना सर चूल, तो इसको भी ऐसे बढ़ा लेना है। देखते हो यहाँ से कलर मैचिंग हो जाएगा। फिर प्लस में क्लिक कर लेना है और ऐसे अपने रख लेना है गाइस, और ब्राइटनेस को ऐसे सर चूल को बढ़ा लेना है, ठीक है। कंट्रास्ट को वैसे बढ़ा लेना है, फिर नीचे प्लस में क्लिक कर लेना है और जहाँ जहाँ आपको चमक लाना है गाइस वैसे वैसे रख लेना है, कंट्रास्ट को बढ़ा लेना है, सर चूल को बढ़ा लेना है। देखते हो गाइस चमक आ गए बहुत शानदार। तो इस प्रकार से हो जाने के बाद फाइनली आपको राइट में क्लिक कर देना है और देख पा रहे हो गाइस हमारा फोटो बिल्कुल सीवी फोटो एडिटिंग की तरह एडिटिंग हो गया। तो देख पा रहे हो गाइस इसको डाउनलोड करने के लिए फाइनली आपको कर लेना है यहाँ से शेयर वाले आइकन में क्लिक। जैसे शेयर वाले आइकन में क्लिक करोगे ना तो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ से जाके बैक ओपन करके तुमको गैलरी को बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा फोटो आ गया, देखते हो गाइस पहले ऐसा था पहले गाइस यहाँ पर देखते हो, ठीक है ऐसा था। और इस प्रकार से मैंने फोटो एडिटिंग कर दिया। तो गाइस आपको प्रीसेट और PNG तो बैकग्राउंड इनका लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ से अगर आप आसानी से प्रीसेट को और PNG को डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप कि गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सभी दोस्तों को एडवांस के लिए हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो में, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।